सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सर्वाणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। वंदे मातरम् मित्रो मैं आपका मित्र दोस्त सुरेंद्र त्रिपाठी हाजिर हूँ आपकी सेवा में आयुर्वेद ज्ञान की एक नई जानकारी के साथ। एक मिनट बस आपको इधर से वहाँ स्कूटी के पास लेना। आज एक स्पेशल डे है दे? और हमारे बीच स्कूटी के पास सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी जी आए हुए हैं संदीप, और बहुत कम उम्र में इन्होंने जीवन की कई फील्ड्स में अच्छे मुकाम हासिल किए। वीडियो बनाने के लिए अपनी और मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हें जो भी आप और जीवन की कई समस्याओं का समाधान मिलेगा। आप ने इंजीनियरिंग किया डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बी टेक भी आपने किया है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, और मैं चाहूंगा कि आप अपनी उपलब्धियों को आप बीच में रखेंगे। और सबसे बड़ी जो चीज है जो आपके बारे में बतानी है कि आज आप एक ऐसी दिशा में काम कर रहे हैं जो हमारी बीमारियों और औषधियों के बारे में जो हमारे लिए बेहद जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले आप विद्यालय में आए थे, मेरी बातचीत हुई और मुझे ऐसा लगा ये बात बच्चों तक और बच्चों के माध्यम से परिवारों और समाज तक पहुंचना चाहिए। मैं बिना किसी विलंब के आपको आपके बीच आमंत्रित करता हूँ श्री सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी। सर्वप्रथम मैं महादेव जी के इस प्रांगण में उपस्थित सभी अपने गुरुदेव वृंदों का जो है नमन करता हूँ, और मैं विशेष रूप से अपने सुनील कुमार जी का जिनके माध्यम से मैं यहाँ पे आ पाया और बहुत विशेष आभारी हूँ अपने आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी का जिन्होंने मुझे आश्रम के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए अवसर प्रदान किया। मैं चूंकि बहुत कम समय लेना चाहूंगा, सबका विद्यालय का टाइम है और उसमें कोई व्यवधान और बाधा उत्पन्न न रहे, अपना कार्यक्रम उसी ढंग से मैं बहुत कम टाइम में खत्म करने की कोशिश करूंगा, पूर्ण रूप करने की कोशिश करूंगा। जो हमारे नैतिक मूल्य है, जो हमारी धरोहर है, जिसका हमारे जीवन में इतना ज्यादा महत्व रहा है, जिसको धीरे धीरे करके हम लोग कुछ और कल्चर को कॉपी करते हुए भी सोचते हैं नहीं यार कि हम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो कहीं हम अंतर करते हैं या हमारे कल्चर में कुछ कमी है या दूसरे के कल्चर ज्यादा वर्क कर रहे हैं, तो कल्चर तो सबके अच्छे हैं। लेकिन विशेष करके हमारे अपने जो नैतिक मूल्य रहे हैं, हमारे जो अपने संस्कार रहे हैं, चाहे वो हमारे अपने डेली रूटीन को लेकर के या हमारे अपने आयुर्वेद औषधि और जीवन शैली को लेकर के, ये बहुत ही अद्भुत रहे हैं और बहुत सारे लोग उसको जानते भी हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है उसको महत्व को पूर्ण रूप से न समझ पाने के कारण
उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यूज बहुत ज्यादा है। जैसे अगर मैं आज एक सिंपल से छोटे से टॉपिक पर डिस्कस करूं कि कहा जाता है हम लोग यहाँ की सुबह उठे तो अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें, तो अगर मैं बात करूं तो ऐसे कितने लोग हैं जो आज अपने माता पिता का पैर छू करके उनका आशीर्वाद दे करके आए हुए हैं, हाथ उठा सकते हैं? बहुत बढ़िया, कम से कम कुछ लोग हैं ना। अभी देखिए जो लोग आए हैं आशीर्वाद लेके अपने माता पिता का, एक मैं सिंपल छोटा सा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि सिर्फ आशीर्वाद देने मात्र से क्या हो जाता है। जैसे ही हम आशीर्वाद किसी का लेते हैं उनकी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है कैसे हमारे शरीर में तुरंत बदलाव क्रिएट करती है, हमारे शरीर की ऊर्जा शक्ति, हमारी स्मरण शक्ति, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इन सब में कैसे एक क्षण मात्र में कितना विकास हो जाता है। तो उसको मैं छोटे से प्रयोग के माध्यम से दिखा दूंगा आप लोगों को कि कैसे हम समझ सकते हैं इसका अद्भुत परिणाम हमारे जीवन में किस तरीके से आता है। जैसे मैं आपके समक्ष जो है अपने गुरु जी के हुए पिलाता हूँ, गुरु जी आए, मैं एक हमारा पूरा शरीर ऊर्जा से संचालित है, ऊर्जा से चलायमान बना हुआ है, और जब कोई अच्छा प्रभाव पड़ता है इसकी ऊर्जा शक्ति में वृद्धि होती है जिससे शरीर की भिन्न भिन्न क्रियाएं अच्छे तरीके से संपादित होती है और ऊर्जा शक्ति में वृद्धि होगी, स्नायु कोष हमारे जागृत होंगे, स्मरण शक्ति बढ़ेगी और अच्छे से नैतिक विकास भी होगा और शरीर का भी अच्छे से विकास होता है। जैसे भी आप देखते हैं कि पैर छूने का क्या महत्व है, हम स्कूल में ही आते हैं गुरु जी को प्रणाम करते हैं, अब तो चूंकि भिन्न भिन्न पद्धतियां बदल रही है तो लोग दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं, सोचते हैं चलो ठीक है टोली मिल गए शामिल दिख गए प्रणाम कर लिया नहीं किया तो किनारे से अपना निकल गया, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों का हमारे जीवन में कितना महत्व है इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो एक छोटी सी इसी एक्सरसाइज से ही हम बहुत बड़े बदलाव ले आ सकते हैं। तो जैसे अभी देखते हैं मैं आपको दिखाऊंगा कि जनरली देखिए शरीर ऊर्जा विज्ञान से मोबाइल देखिए मैं दिखाता हूँ, देखिए कि अगर मैं कोशिश करूंगा एक उंगली से सर के हाथ को नीचे दबाने की, मैं ये देखता हूँ एनर्जी लेवल सर के शरीर में अभी कितना है, शरीर का जो बॉडी का हार्मोनल बैलेंसी है उसमें ऊर्जा शक्ति कितनी विस्तारित है, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो मुंह में ही उनका पाचन हो पाता है, जैसे भोजन में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन सिर्फ मुंह में ही होता है और शरीर में किसी भाग में नहीं हो पाता, तो भोजन को चबा चबा के खाए, चबा चबा के खाए उसमें लाल ऊर्जा तक मिलेगी, पेट में अम्ल बन रहा है तो वो जब लाल, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब किसी अम्ल में छार मिलाते हैं तो संयोजन न्यूट्रल हो जाता है, तो जब पेट की स्थिति सम बन जाएगी न्यूट्रल बन जाएगी तो एसिडिटी नहीं बढ़ेगी, अपाचन की स्थिति नहीं उत्पन्न होने पाएगी, तो कब्जियत है कहीं अर्थराइटिस का दर्द है या यूरिक एसिड का बनना है उसी से जो है कोलेस्ट्रॉल बन जाता है उसी से ट्राई, मतलब खतरनाक खतरनाक भी शरीर में बनते हैं और पूरे शरीर की ऊर्जा शक्ति और के अंगों को कमजोर करते हैं। और भोजन करने के कितने समय पानी पहले पानी के लिए उसको ध्यान देने की जरूरत है, कोशिश करें कि भोजन करने के 40 मिनट पहले पानी को पिए। होता क्या है कि जब हम पानी पीते हैं तो जब वो खून में एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में एब्जॉर्ब होता है पूरे शरीर में जाकर के किडनी पे जा करके उसको छन करके हमारे मूत्रपिंड में जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका पहुंचने में 40 मिनट का समय लगता है, तो कोशिश करें कि 40 मिनट पहले पानी पिए और खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पिए। खाने के बीच में जब कुछ पीना है, जैसे आप रोटी खा रहे हैं एक अन्न से दूसरा अन्न जब बदलाव करें खाने में उस बीच में आप 2-3-4 घोंट पानी पी सकते हैं, वो टाने का काम करेगा, लेकिन नहीं पीते हैं तो कोई इसका नुकसान भी नहीं है। तो ये बहुत छोटी एक्सरसाइज है जिसको अगर हम ध्यान में रखें तो बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रहेंगे, और खास करके दोपहर में भोजन करें तो ज्यादा एक्सरसाइज न करें, 5-10 मिनट की विश्रांति जरूर लें। शाम को दोपहर में कहते हैं कि छाछ ज्यादा पिए, दोपहर में दूध और फल ज्यादा खाने का भी ध्यान रहेंगे, क्योंकि उस समय जो है नेचर में ऐसा समन्वय बनाया है कि हमारे शरीर में जो मठा है छाछ है उसमें जितने ज्यादा बनता रहता है शरीर में सूर्य तेज
रहते हैं, तो जो छाप पर मिली हुई चीजें हैं वो ज्यादा जो है उसको न्यूट्रल रखते हैं। और दूध जो पीने का विधान है, दूध जो सूर्य अस्त हो जाते हैं, जो दूध को पचाने वाले केमिकल शरीर में सूर्य अस्त होने के बाद बनते हैं, तो दूध को जो है रात में पिए और समय से सोए, देर तक जगने से शरीर की बहुत सारी साइकिल, मतलब जो एक बायो साइकिल बनी हुई है कि अलग अलग अंगों का काम करने का शरीर ने अलग अलग समय पे समय निर्धारित किया हुआ है कि जैसे रात को 1 बजे से सुबह 3 बजे तक रक्त का प्रवाह शरीर में बहुत तेज होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, हृदय की गति बहुत तेज होती है, इसीलिए जो हृदय हार्ट अटैक का जो स्ट्रोक आता है वो ज्यादातर रात में ही आता है, क्योंकि उसमें हृदय बहुत तेज काम करता रहता है, इसीलिए उस समय बहुत गर्मी निकला आती है, जब बीपी बढ़ेगा उतनी गर्मी आप की जाएगी, तो जो क्रियाएं जो गर्मी नहीं करती जो बाकी हमारे देश में एक्शन करने के दौरान वो रात में शरीर जो है ब्लड प्रेशर बढ़ा करके हृदय की गति बढ़ा करके उसको जल्दी जल्दी कम्प्लीट करता है। और जो लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बहुत सारे फायदे हैं, फायदे ये है कि जो हमारा लंग्स है फेफड़े हैं वो ब्रह्म मुहूर्त इसीलिए बनाया गया कि रात में 4 बजे से लेकर के सुबह 6:30 से 7 बजे तक के बीच में हमारा जो फेफड़ा है उसकी गति बहुत तेज होती है, जितनी भी ऑक्सीजन की कमी शरीर में रह जाती है वो सुबह पूरी होती है, कि जो लोग सुबह उठ करके 5 मिनट भी अगर वो अनुलोम विलोम एक प्राणायाम बैठे करें, सिर्फ 5 मिनट करें, आप देखिए कि शरीर की ऊर्जा शक्ति में बहुत बदलाव आएगा, पूरे दिन भर उनको फ्रेशनेस रहेगी, उनको सर्दी खांसी सांस की बीमारियां या नींद खराब न आने की बीमारियां या दांत कमजोर होने की बीमारी या जैसा कोई समस्या है तो वो ठीक हो जाएगी, और नहीं है तो होगी नहीं जाएगी। तो ये छोटे छोटे बदलाव हैं जिसको आप लोग ध्यान में रखें, कभी अगर वक्त मिला और हमारे गुरु जी की जो है ऐसी कृपा रही तो और कुछ टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें छोटे छोटे बदलाव क्या है। जैसे जो पित्त के प्रभाव में जो घर में पित्त रहता है इसीलिए जो घर में आप देखें यातायात बहुत तेज होती है, पित्त के प्रभाव में स्नायु कोष बहुत तेज जागृत रहते हैं, पित्त के प्रभाव में ही अच्छी पढ़ाइयां होती है, और जो ये अवस्था है युवा अवस्था में पित्त हमेशा तेज होता है, जिसका पित्त तेज नहीं होता है उसको नींद ज्यादा आएगी, उसके स्नायु कोष दूर रहेंगे, उसकी यातायात कमजोर होगी, तो बड़े जो पित्त के प्रभाव में पढ़ाई होती है इसका कम पड़ता है, कब कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि कब पढ़ने से हिंसक प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, तो इन चीजों को बैलेंस कैसे करें, क्या क्या चीजें हैं हमारे उपलब्ध चीजें, मिट्टी कैसे काम कर लेती है, चूना कैसे काम करता है, जीरा कैसे काम करता है, जवाई कैसे काम करता है, गाँव की बीमा सब्जी आस पास के वातावरण है, पीपल के पत्ते के कितने सारे गुण है, हर चीजों के कितने गुण है, नेचर में चीजें बनी हुई नेचर में कैसे बनाई है, मिट्टी से क्या चीजें निकलती है, इन चीजों में बहुत महत्व है, इन छोटे छोटे टॉपिक पे कभी हम लोग डिस्कस किया जाएगा अगर समय मिला। इसके साथ ही मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और भगवान भोलेनाथ से आलोक करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि सब लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखें और अच्छी तरीके से बुद्धि और जीवन का विकास करें सब लोग। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः मैं अपने प्रधानाचार्य महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार पहले भारत माता की जय की नारा लगाया, बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, धन्यवाद। अब आप थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखेंगे, छोटे बच्चे आते अभी कम टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी त्रिपाठी के द्वारा दी गई और आपके पास पूरा एक खजाना है, जब भी वक्त मिलेगा मैं आपसे अपील करूंगा कि आप समय समय पर विद्यालय उपस्थित होते रहे। इसमें जो छोटे बच्चे हमारे हैं जो बचकानी हरकतें कर रहे हैं वो इनका स्वभाव है, लेकिन थोड़ी देर साथ मिलना है, हमारे जो साइंस के और बड़े स्टूडेंट्स हैं वो मैं देख रहा था वो काफी ध्यान से बात सुन रहे थे और काफी महत्वपूर्ण बातें थी, और जीवन में अगर समय से महत्वपूर्ण चीजें महत्वपूर्ण बातें हम तक पहुंच जाए तो उसका आप जीवन में लाभ उठा सकते हैं।
हमारे परिवार के लोग समाज के लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। मैं पूरा विद्यालय परिवार को आपका ढेर सारा साथ।